उमरिया जिला मुख्यालय में सूदखोर से परेशान एक युवक ने संयुक्त कलेक्ट्रेट में एसपी ऑफिस के पास खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता के चलते युवक को बचाया गया। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे हुई इस घटनाक्रम के बाद कोतवाली पुलिस युवक को पकड़कर थाने ले गई और आरोपी सूदखोर को भी बयान के लिए बुलाया गया। फरियादी विजय बहादुर सिंह पिता मनोहर निवासी उफरी ने बताया, कपड़ा व्यापारी है, उसने अपनी दुकान में सामान की खरीदी के लिए ₹1,00,000 कर्ज लिया था। ₹4,000 प्रतिमाह ब्याज समेत 18 माह में चुकाने के बाद भी कर्जदाता ऋषि जैन उसे कर्जदार बता रहा है। यही नहीं, उसकी दुकान में ताला लगा दिया गया। विरोध करने पर अभद्रतापूर्ण बातें कर गाली गलौज की जाती है। 25 जनवरी को इसकी शिकायत उसने कलेक्टर एसपी व थाना पुलिस को दी थी। कोई कार्रवाई न होने और ऋषि जैन की प्रताड़ना के चलते उसने यह कदम उठाया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विकास सहवाल से जानकारी लेने पर पता चला, आत्मघाती कदम की सूचना पर विजय बहादुर को कोतवाली में बिठाया गया। विजय बहादुर के अनुसार आवेदक ऋषि जैन जो अधिक ब्याज दरों पर पैसा देता है, पैसा वापस करने के लिए परेशान करता है, जबकि ऋषि जैन का कहना है कि विजय पैसा वापस नहीं कर रहा है। शिकायत के आधार पर दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। मामले की जांच उपरांत FIR दर्ज करके और कर्जदाता के पास लाइसेंस है नहीं है इसकी जाँच कराएंगे। 4% के हिसाब से, क्योंकि ब्याज का धंधा तो करता ही है, मैंने उसको 10वें महीने में पैसा दे दिया हूँ, तो भी वो गाली गलौज करता है। एक दिन बोल रहा था कि औरत को भेज दे हम तेम दुनिया भर का, तो जबकि प्रशासन का है नियम की कि ब्याज का धंधे में कोई भी चेक एग्रीमेंट नहीं रख सकता, प्रशासन का नियम ही कड़ा संदेश। उसके बाद भी मेरा वो चेक एग्रीमेंट रखा है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद ये प्रकरण होने के बाद उसने दुकान में ताला तोड़ के, मेरे बगैर बुलाए उसने ताला तोड़ दिया और ताला अपना लगा लिया। उसके बाद उसने जो स्टाम्प मैंने कर्ज लेते समय लिया था उससे, उसमें गलत लिखा दिया है कि वो उस मतलब सब सामान फर्नीचर वो मेरे नाम कर गया है। मतलब ये है कि गरीब आदमी का कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए मैं माननीय कलेक्टर और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे को जीवन में ये है कि अब जीने का इच्छा नहीं है, क्योंकि ये गलत तरह से प्रताड़ना कर रहा। मतलब पैसा नहीं दिया तो बोल रहा है कि औरत को भेज दे दुनिया भर के, क्योंकि ब्याज का धंधा तो करता ही है। इसलिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हमारे बगैर मौजूदगी में कैसे उसने ताला तोड़ के और ताला अपना लगा लिया। मतलब उसको कोई डर नहीं है, सिर्फ वो गुंडाई है। आप ये बताओ, पुलिस ने ये सारी हमने SP साहब को भी ज्ञापन दिया है, TI साहब को भी दे दिया, हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दे के आए हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा। अगर वो नहीं मानता कि हमने 1,00,000 रुपया नहीं दिया है, तो हम 1,00,000 उसका देनदार हैं, चाहे अपना शरीर बेच के दें चाहे अपनी आत्मा बेच के दें, हम उसका 1,00,000 रुपया देंगे। लेकिन वो जिस तरह से गलत आचरण और गाली गलौज करता था, हमको बहुत खराब लगा, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। बस इसी के साथ विराम करते हैं। लेकिन यह कि अगर वो नहीं मानता कि मैंने 1,00,000 रुपया उसका नहीं दिया, तो मैं दूंगा, कहीं से ला के दूं मैं दूंगा। लेकिन ये वो ये बोले कि मैंने ब्याज में पैसा नहीं लिया, तो बताए मैंने 4,000 रुपया महीना प्रति ब्याज का दिया हूँ पैसा उसको, बोलता मैं ब्याज नहीं चलाता, जबकि वो ब्याज का धंधा करता है। तो फिर ब्याज नहीं चलाता कैसे पैसे दिया था? फिर जब ब्याज का धंधा नहीं चलाता तो चेक एग्रीमेंट हमारा क्यों रखा था? 1,00,000 महाजनी में देता है तो कोई चेक एग्रीमेंट नहीं रखता। 100 का स्टाम्प पेपर रखा है, 10 स्टाम्प 100 के हैं, 5 चेक हैं हमारे, जो अभी मैंने पुलिस चौकी में गया तो उसमें स्टाम्प में लिखवा दिया है, क्योंकि हमारा साइन था, पूरे कागज़ में स्टाम्प दिए थे उसको, तभी वो साइन करा किया है, तो उसमें लिखा दिया है कि वो दुकान का सामान फर्नीचर सब वो मेरे नाम मतलब 6वें महीने में करके चला गया है। जबकि TI साहब के सामने भी बात हुई थी कि मैं इसका सामान दे दूँगा, TI साहब के भी संज्ञान में बात है। ठीक,